अम्मा मुझे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं रानी को कैसे समझाऊं, क्या करूं? बिटिया तू चिंता मत कर, वो गई है ना कबीर से मिलने, मिलने दे उसे, देखना अपने आप मुंह की खाएगी तो वापस आ जाएगी। अम्मा उसकी इतनी हिम्मत, उसने सारे मौकस के सामने मुझे जलील किया अम्मा, मेरे साथ बदतमीजी की है अम्मा, खुद को समझता क्या है? मैंने तो सब कुछ प्यार से बोला था पर उसने अम्मा कोई बात नहीं, आई एम सॉरी कि मैंने आपकी बात नहीं मानी, ये सब एक जैसे है, ये हमारे प्यार के लायक ही नहीं है दी, कबीर ने मेरा प्यार ठुकरा दिया, मैं तो उसके अच्छे के लिए गई थी ना वहां दी, पर उसने चुप हो जा, आजा इधर आ, रोना बंद कर, मेरी गुड़िया अरे पगली, तू अपनी दी से झगड़ा नहीं करेगी तो और किससे करेगी? हाँ चल चुप हो जा दी, आप उस कबीर को छोड़ना मत, उसे ऐसे ही जलील करना हर रोज। कबीर तुमने रानी का दिल दुखाया, यहां तक ठीक था, लेकिन आंसू आंसू नहीं लाने चाहिए थे इसकी आंखों में। अरे मम्मी सारे चावल जल गए, क्या हुआ मम्मी को? जानते हो मेरे पास एक गोली, तीन तीन जान ली, लेकिन आज तो मैं उसे मार ही डालती। और जो तीन घंटे से चावल पका रही हो उसका क्या, जल जाते तो? चंदा तुम्हें एक काम दिया था, तुमने वो भी नहीं किया। भाभी ये सब मुझसे नहीं होता, तुम तो जानती हो मैं कोमल राजकुमारी टाइप्स हूँ ना, तो ये मेहनत मजदूरी टाइप्स काम मुझसे नहीं होते भाभी, मैं क्या करूं, ये सब तो नौकर चाकरों के काम है ना। हाँ हाँ मम्मी, हमने आपके लिए इंटरव्यूज लाइन अप किए हैं, उनमें से आपको जो भी पसंद आ जाए उसे हम रख लेंगे आपकी नौकरी बजवाने के लिए, है ना? चुप रह, आई बड़ी इंटरव्यू टाइप्स लेने वाली, खा चले दे चावल। बड़ी मम्मी, मम्मी की तरफ से सॉरी। हट पगली, ये मेरी और मेरे देवरानी के बीच की बात है, तुम लोग कहाँ से आ गए? अच्छा बेटा जब तू तैयार होके कॉलेज के लिए निकले कबीर का टिफिन भी ले जाना, उसे देते हुए निकल जाना। आप खाओ चावल। हे हाय, कबीर मित्तल कौन से कैबिन में बैठे हैं? अरे जय छोड़ना, हम लोग खुद ही देख लेंगे, इट्स ओके। हेलो देयर, क्या बोला तुमने, कहाँ बैठे हैं? ओह तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हारे प्यारे कबीर भैया सीनियर मैनेजर होंगे कोई सीनियर टाइप पोजीशन में, दो तीन असिस्टेंट्स, एसी कैबिन, राइट? फैक्ट्री में जाओ, वहां मजदूरी करते हुए मिलेंगे तुम्हारे प्यारे कबीर भैया। फैक्ट्री? और तुम्हें पता होना चाहिए कि किसको अंदर आने देना चाहिए और किसको नहीं, ये सब उस वर्कर की फैमिली से है, आगे से इन्हें अंदर आने मत देना। शानी की बच्चे, इतना मारूंगा ना तुझे, समझे? छोड़ जय, छोड़ जय, छोड़ जय। ओ जय, मैं ईशानी नहीं हूँ,
रानी हूँ, लाइक क्वीन। ओ सुन, अरे जे छोड़ ना, छोड़ छोड़, चल यहाँ से, लेट गो लेट गो। सुनाली सुन, तेरी मेरी तो दोस्ती थी ना पहले, तो चल दोस्ती के ही खातिर अगर शॉप की सेल में कभी कुछ पसंद आया तो बता देना, दिलवा दूंगी। शानी तू ना पता है अभी किसके जैसी लग रही है, वो जो हमारी मम्मी वो सीरियल्स नहीं देखती है उसमें जो घिसी पिटी वैम्स आती थी, बिल्कुल वैसी लग रही है तू अभी। यार थोड़ा तो स्टैंडर्ड बढ़ा अपना, चल जाए। देखो खबरदार, किसी ने बताया कि मैं क्या काम करता हूँ, पॉकेट मनी बंद कर दूंगा तुम दोनों की, समझे? क्या ये रोतली शक्ल क्यों बना रखी है भाई? भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम लोग को क्यों प्रॉब्लम है? और काम काम होता है, समझे? स्माइल। वो पूजा की हिम्मत कैसे हुई आपके साथ ऐसे करने की? पूजा, ये घटियापंती की ना हद तय कर लो कि तुम कहां तक गिर सकती हो। Exactly. यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूं। कबीर, मुद्दा तुम्हारा खाना खराब करने का नहीं था, तुम्हें ये एहसास दिलाने का था कि हम भी ऐसे ही सड़क दर सड़क मिट्टी फांकते थे, कोई नहीं था हमारा, जब तुम्हारे डैड ने मेरे डैडा को मार डाला था, बस वही याद दिला रही। कभी लड़ाई हो ना तो बराबरी की होनी चाहिए, इसीलिए मैं तुम्हें अपने बीते हुए कल की बराबरी में खड़ा कर रही हूँ। सोच लो, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए। लड़ सकते हो वरना लौट जाओ। सच कह रहा हूँ, मन कर रहा था पूरा ऑफिस तोड़ दूँ। अरे क्या मतलब, कैसे बात कर रही थी? जय और बैठो। नहीं मुझे नहीं बैठना, पहले तो मुझे ये बताओ तूने कहा था कि पार्टी के लिए आओगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे सब कपल्स की तरह आए थे और सिर्फ मैं अकेली भटक रही थी यहाँ से वहाँ, और बहाने तो मारना मत क्योंकि मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा था, फिर भी मेरे मैसेजेस या कॉल्स का कोई जवाब नहीं दिया तूने। बहाने नहीं मार रहा हूँ यार, वो मम्मी की तबीयत खराब थी, बस उसी में लगा हुआ था और इसीलिए तुम्हारे कॉल्स या मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाया। हमें ही पता है कि हमने रात कैसे निकाली थी। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? सोनाली से पूछ लो। सोनाली। हाँ सच कह रहा है, ऐसा ही हुआ था। ओ सॉरी, चल कोई नहीं, बट एक मैसेज तो छोड़ देना था ना। क्लास में मिलते हैं, ठीक है? जय, मैंने आज तेरे लिए झूठ बोल दिया है, लेकिन आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलने वाली हूँ। भाई तू बोल क्यों नहीं देता सबको कि नहीं है हमारे पास सबके जितने पैसे, हम नहीं कर सकते वैसे खर्च जैसे हम पहले किया करते थे। और मुझे एक बात बता,
अगर तू अपनी गर्लफ्रेंड को ही सब सच नहीं बता सकता है तो फिर ऐसे रिलेशनशिप का क्या फायदा है जय? वाह, देखो जरा कौन ज्ञान बांट रहा है। तू आज तक किसी रिलेशनशिप में आई है? अरे आसान नहीं होता यार रिलेशन में रहना, बहुत चीजें हैंडल करनी पड़ती हैं। अम्मा मैं क्या कह रही थी, वो दवाई वाला बिजनेस ना आप संभाल लीजिए प्लीज। मैं ये कपड़े का बिजनेस ही संभालूं वो बहुत है। नाना पूजा बेटा, अब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं नहीं संभाल सकती। अम्मा लेकिन मैं दी, मैं हैंडल करूं प्लीज। अच्छा तू देखेगी, तू छोटी है गुड़िया, तेरा काम है पैसे खर्च करना, पैसे कमाने का काम हम देख लेंगे। मेरी प्यारी बच्ची ये ले। ये तो पत्थर है। मैं अभी पियून को बुलाती हूँ। राजू रहने दीजिए अम्मा, मैं जानती हूँ ये किसका काम है। I will handle it. खाना काफी लजीज खाना है, सबको खिला दिया, खुद भी पेट भर के खा रहा हूँ, मजा आ रहा है। ओ पूजा जी, आपको अपने बीते हुए कल का खाना पसंद नहीं आया क्या? आपको तो आदत होगी ना, बचपन में जो खाया होता है कितना मजेदार लगता है। तो फिर क्या हुआ, पसंद नहीं आया? खैर मैं बताता हूँ पसंद क्यों नहीं आया। आपके और मेरे में ना एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आपने मेरे खाने की बेइज्जती करी, मेरे खाने में रेत मिला के, और मैंने आपके खाने में कंकर मिलाया, लेकिन लेकिन खाना वेस्ट नहीं होने दिया मैंने। मत सोचना कि तुम्हें इस बात की सजा नहीं मिलेगी। बात सही कह रही हैं आप पूजा जी, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि मैंने आपको इससे पहले क्या कहा। भाई वर्कर्स के साथ मिलकर खाया तुम्हारा खाना, लजीज खाना, लेकिन क्या कहोगे वर्कर्स को, क्या बोलोगी, किस बात की सजा दे रही हो तुम मुझे? अभी सुबह ही आपने वर्कर्स का दिल जीता है और अभी खुद उनसे दूर हो जाओगी। और अगली बार ऐसी कुछ हरकत करने से पहले याद रखना, अगर ईंट का जवाब पत्थर होता है ना, तो रेत का जवाब कंकड़। तुम वाटर कंप्लीट हो गया, मैडम को बता देते। अरे इसमें थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हारा खाना खराब हो गया था तो मैंने मंगवा लिया। खाओ, आराम से खाओ, बैठ के खाओ, एंड आई होप तुम्हें मेरा मंगवाया हुआ खाना अच्छा लगा। और इनफैक्ट और भी चीज तो बोल देना, मैं मंगवा दूंगी। ओके बेटा, जिस तरह से इन्होंने बदतमीजी की थी तुम्हारे साथ पहले दिन, हम सबको बहुत बुरा लगा था, और हमको यह भी बहुत बुरा लगा कि इन्होंने तुमको वर्कर की नौकरी दी। वैसे दिल की बुरी नहीं है मैडम, अब तुम्हारे वालिद साहब
और इनके साथ क्या तनातनी हुई, शायद उसकी वजह से ही ये आपके साथ बदतमीजी कर रहे हैं। और आज वो मैनेजर को भी क्या हड़काया चाचा इन्होंने आज। मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ कि कबीर बाबा को ये अच्छी सी नौकरी दे दे। इतनी भूख लग रही है, अभी तक खाना नहीं आया। अभी आ जाएगा। कबीर ने किया था ना सब कुछ। कभी कभी भी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। अब बताएगी भी क्या हुआ? अरे शांत हो जाइए अम्मा, और गुड़िया तू भी। ताश की गड्डी में ना एक महला होता है और एक बहला। कितने भी रंग बदल लो, महला हमेशा पहले के नीचे ही रहता है। और इस ताश की गड्डी में वो दहला मैं हूं। तो कितनी भी चाले चले, मैं हमेशा चाल पलटती रहूंगी। दी, आपने किया क्या है? अच्छा छोड़ो, वैसे भी हमने बहुत बोरिंग खाना मंगवाया था। बाहर चलते हैं, बहुत अच्छा मौसम है, मौसम का लुफ्त उठाते हैं और तेरे फेवरेट समोसे खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, ओके? रानी बिल्कुल ठीक कह रही थी, कभी कभी तो तू मेरी समझ में भी नहीं आती। चलो चलो चल। फोटो भेजी थी ना मैंने आपको, ये घड़ी है देखिए, बहुत ही अच्छी घड़ी है, ब्रांडेड। अच्छा वो मैं कह रहा था कि जो प्राइस आपने बोला है वो तो बहुत कम है इसके लिए, थोड़ा ट्राई कीजिए ना, और मिलेगा। ऑनलाइन पे काफी मिलती है ऐसी घड़ी। नहीं आप ट्राई तो कीजिए। हम इतना ही दे सकते, इससे ज्यादा नहीं दे सकते। नहीं आप रख लीजिए, ठीक है। को बुलाना है बुला, करवा दे मुझे अंदर। बोल, तेरा सर फोड़ दिया, घूर क्या रही है? हाँ क्या घूर रही है बोल। तुझे पता है हम लोगों ने ना बहुत बड़ी गलती की है, अगर तेरी जगह कुत्ता पाला होता ना तो आज भी हमारे तलवे चाट रहा होता वो। ये देख, अपनी घड़ी बेचकर ये पैसे लाया हूं मैं, अपनी घड़ी बेचकर, और सब तेरी वजह से, समझी? तेरी वजह से हुआ है, सब कुछ तेरी वजह से। पीछे हट, पीछे हट, वरना अभी पुलिस को फोन करूंगी मैं। अम्मा, हुड के एग्जाम्स मेरे थे, लेकिन रात भर ये जगी रहती थी, सब झूठ था। हाँ अभी से ज्यादा मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, अरे बेस्ट फ्रेंड की तरह प्यार करती थी ना मुझे, क्या हुआ? सब झूठ, धोखा किया ना तूने हमारे साथ। तू ना सिर्फ एक जहरीली नागिन है बस। ए जय, जबान संभाल के बात कर, वरना चिल्लाना हमें भी आता है, समझा? रानी चुप हो जा।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।